हे गाइस ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पिक्स आर्ट ऐप का यूज करके कुछ इस टाइप की एडिटिंग कैसे कर सकते हो। गाइस ये वाली एडिटिंग हमने आपको बहुत ही आसान से स्टेप में सिखा है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आई होप गाइस ये वीडियो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपके फोटो एडिटिंग में। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। और हाँ गाइस, अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इजीली हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। तो गाइस जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं। गाइस हम आपको बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहे हैं, आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले, मतलब कि आज से करीब 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने आपको एक्वा कलर टोन की एडिटिंग सिखाया था, ठीक है। तो वो वीडियो में आप देख लीजिएगा। मतलब इस फोटो को एडिटिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको एक्वा कलर टोन में अपनी फोटो को लाना होगा। वैसे आप नहीं लाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेता हूँ। आपको भी लाइट रूम ऐप को पहले ओपन करना होगा, ठीक है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड आपको ये वाला प्रीसेट गाइस डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्वा एंड ब्राउन कलर का प्रीसेट है, यहाँ से इसकी सेटिंग को हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद अपनी फोटो पे लाकर पेस्ट कर देना है, ठीक है, जैसे कि हमें इस फोटो को एडिट करना है। एंड गाइज यहाँ पे पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करते ही आप लोग देख पाओगे कि एक्वा कलर टोन में आपकी फोटो बिल्कुल ही गजब की यहाँ पे एडिट हो जाएगी। तो गाइज ये रही फोटो, आप लोग देख पा रहे हो बिफोर एंड ये देख पा रहे हो आफ्टर। इस एडिटिंग का ट्यूटोरियल मैंने पहले ही बना दिया है, अगर आप लोगों को उस वीडियो को देखना है, मतलब अच्छे तरीके से ये वाला एडिटिंग कैसे करना है अच्छे तरीके से वो सीखना है, तो वो वीडियो ध्यान से आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। और गाइस देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि ये वाला कलर टोन, आप सोच रहे होंगे कि ये प्रीसेट अगर अप्लाई नहीं करेंगे, ये कलर टोन नहीं लाएंगे तो क्या हमारी फोटो का बैकग्राउंड कलर रेड होगा? तो जी हाँ गाइस बिल्कुल ही होगा। इस प्रीसेट का यूज हमने इसलिए किया है इस फोटो पे ताकि बाकी का सारा कस्टमाइजेशन, जैसे फेस का रिटचिंग और बैकग्राउंड का, क्लॉथ्स का, सारा कुछ इस प्रीसेट में मैंने किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैनेज हो गया है। तो अगर आपको भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है पिक्सआर्ट ऐप के अंदर, तो इस प्रीसेट का यूज़ करो एंड कुछ इस तरीके में, मतलब कुछ इस कलर में अपनी फोटो को ढाल लो, यानी कि ऐसा एडिट कर लो, ठीक है। एंड गाइस इतना हो जाने के बाद आपको अपनी फोटो को सेव कर लेना है। ये फोटो का ट्यूटोरियल मैंने पहले ही बना दिया है, तो इस फोटो को अब हम ओपन करते हैं हम अपनी गैलरी से एंड आपको बताते हैं आगे की प्रोसेस, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी फ़ोन की गैलरी में। तो गाइस हमारी फ़ोन की गैलरी यहाँ पर एनगेज ये वाली फोटो जो है हमने पिक्सआर्ट, मतलब ये वाली फोटो हमने लाइटरूम ऐप के अंदर एडिट किया था, अभी नहीं, आज से बहुत दिन पहले, मतलब 5-6 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको इस फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल बताया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिए एंड अपनी फोटो को कुछ इस टाइप का पहले एडिट कर लीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एक शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, शेयर पे क्लिक करना है आपको एंड इस फोटो को अब आपको पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। ये पिक्सआर्ट ऐप है, इसके अंदर आपको ओपन कर लेना है। देखो गाइस बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी मतलब पिक्सआर्ट ऐप के अंदर फोटो की क्वालिटी मतलब ख़त्म हो जाती है, फोटो मतलब फटने लगती है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ से टूल्स पे सबसे पहले क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक रिसाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, रिसाइज पे क्लिक करना है एंड इसकी विड्थ एंड हाइट आपको मतलब बढ़ा लेनी है। तो सबसे पहले मैं इसकी विड्थ को बढ़ाता हूँ, तो आपको यहाँ से 6000 जो है इसकी अमाउंट को है डाल देना है, ठीक है। उसके बाद ये खुद आपको सजेस्ट करेगा, देखिए यहाँ पे इसकी रियल मतलब क्या है, क्या रिसाइज इसको करना है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 2591, मतलब इसकी विड्थ आपको डालना है। तो मैं यहाँ से 25, यहाँ से 91, यहाँ पे मैंने इतना डाल दिया एंड रिसाइज पे क्लिक करना है। देखिए फिर भी नहीं ले रहा है, तो आपको यहाँ से 1 को कट करके यहाँ पे इसके जगह 0 लगा देना है, मतलब कि 2590, यानी कि अगर आपका रिसाइज करते वक्त ना ले तो उससे एक अमाउंट आप कम कर देना है विड्थ में एंड उसके बाद रिसाइज पे क्लिक कर देना है, ये हो जाएगा। तो गाइस इससे क्या होगा कि आपकी फ़ोटो की क्वालिटी बिल्कुल भी लो नहीं होगी, जितनी भी हाईएस्ट क्वालिटी होगी आपकी फ़ोटो की वो सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद गाइस अब आपको सबसे पहले इफेक्ट्स पे क्लिक कर देना है, यहाँ इफेक्ट्स का टूल है, इस पर क्लिक कर देने के बाद गाइस आपको यहाँ से कलर्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। कलर्स वाले ऑप्शन में आपको आना है, सबसे लास्ट में आपको कलर्स का ऑप्शन मिलेगा। और हाँ गाइस आप लोगों से एक शिकायत है, जब मैं अपनी फ़ोटो को एडिट करके मतलब यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, मतलब अपनी फ़ोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल ला रहा हूँ, तो आप लोगों का बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा गाइस डीमोटिवेट हो जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने मतलब एक छोटे भाई का रिक्वेस्ट है यार, इतना तो कर ही सकते हो,
तो गाइज प्लीज़ मैं जो भी वीडियो डालूंगा अपनी फोटो का, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को देखिए। मैं उस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया कीजिए। इसके पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, जो कि मैंने अभी डाला है यूट्यूब पर। तो एंड देन गाइज, अब आपको यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे कोलोराइज, मतलब कोलोराइज के यहाँ पे आपको बगल में मिल जाएगा कलर रिप्लेस, ठीक है। तो आपको कलर रिप्लेस ये कुछ इस तरीके का बना होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये गाइज ये आपको राउंड सा एक सर्कल मिल जाएगा, एंड इसके बीच में आप लोग देख पा रहे हो कि ये एक प्लस का आइकॉन है जो कि ब्लैक कलर में है, ठीक है। तो इस प्लस वाले आइकॉन को यहाँ से आपको खींच कर लाना है एंड अपनी ये एक्वा कलर वाले बैकग्राउंड पर रख देना है, ठीक है। इस पे रख देने के बाद गाइस जहाँ से इसके रिप्लेस ह्यू जो आपको दिख रही है, इसे आपको पूरा आगे की ओर बढ़ा देना है, ठीक है। पूरा आगे की ओर बढ़ा दोगे तो ये जो है रेड कलर में आ जाएगा, एंड उसके बाद यहाँ से मेन ह्यू एंड आपको यहाँ से मिलेगी मैक्स ह्यू। तो इन दोनों को भी आपको मेन ह्यू एंड मैक्स ह्यू को भी पूरा बढ़ा देना है। पूरा बढ़ा देने के बाद गाइस जब आपको सिंपली यहाँ से डन कर लेना है, जैसा कि मैंने बताया कि पिक्सआर्ट में सिर्फ एक कलर करते मतलब एक क्लिक करते ही बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगी। आप लोग देख पा रहे हैं पहले कुछ इस टाइप की थी लाइटरूम के अंदर, एंड अब आप लोग देख पा रहे हैं पिक्सआर्ट टाइप के अंदर कुछ इस टाइप की हमारी फोटो एडिट हो गई। तो बहुत सिंपल था गाइज, आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और इस फोटो को सेव कैसे करना है, यहाँ से आपको ड्रॉ टूल के अंदर चलना है, ड्रॉ पर क्लिक कर देना है, एंड गाइज यहाँ से आप चाहो तो लेयर पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको मर्ज कर देना है, मतलब एक एम्प्टी लेयर लेकर उसको मर्ज कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ एक इरेजर का ऑप्शन है, इरेजर पे क्लिक करना है। इसकी साइज एंड क्वालिटी को ओपासिटी आप लोग देख पा रहे हो, तो इसको भी आपको 1% कर देना है। एंड उसके बाद कुछ ऐसा ड्रॉ कर देना है अपनी बैकग्राउंड में, एंड इसके बाद लेयर को बंद करना है। अब यहाँ से थ्री डॉट की आइकॉन पर क्लिक करना है, सेव इमेज पर क्लिक कर देना है। आपकी फ़ोटो बिल्कुल ही हाइएस्ट क्वालिटी में सेव होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो ऐसे आप अपनी फोटो को सेव कीजिए एंड एडिट कीजिए। एंड गाइज प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी फोटो एडिटिंग का जो भी ट्यूटोरियल है प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया कीजिए यार, कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हो या नहीं, प्लीज़ गाइज। तो गाइज फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।